हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और फिर से मैं सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 के करीब में, और सुबह में हस्बैंड चले जाते हैं ना 5:30 में, तो मेरा लेट हो जाता है उठने में। नहीं तो इधर मैं जल्दी ही उठ जा रही थी, मतलब 6:30 तक उठ जा रही थी। लेकिन क्या होता है कि 5 बजे आप उठ जाते हो और सोचते हो कि इस टाइम से अभी से ही क्या करें, तो फिर ना क्या होता है कि सो जाते हैं और फिर सोने के बाद नींद लग जाता है, तो फिर 2 घंटा बाद ही उठते हैं, तो फिर वही हाल हो जाता है। और जब मतलब कि हस्बैंड नहीं रहते हैं तो ऐसा लगते भी रहता है कि अभी से ही क्या करें यार, क्या करें यार, तो इस वजह से भी लेट हो जाता है। तो वही 8:30 में उठी हूँ और उठ करके बेड ठीक कर रही हूँ। मतलब पहले तो उठने के बाद ना थोड़ा देर बॉडी ऐसा लगता है कि भारी भारी सा लग रहा है, मतलब पेन हो रहा है या फिर अलग टाइप सा लगते रहता है, मन नहीं करते रहता है कुछ करने का, बट फिर होता है कि करना ही है तो चलो लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही बेड रात में देख रहे हैं आप, 2 कूलर रखा हुआ है ना, तो जो बड़ा वाला कूलर है ना बहुत ज़्यादा ठंडक, मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग बढ़ाता है, तो वो कूलर अब ये जो नया वाला ली हूँ ना उससे भी ज़्यादा ठंड, मतलब कूलिंग करता है, इतना कूलिंग करता है कि ठंड लगने लगता है। तो वही हम लोग चादर ओढ़ के सोए थे इतना ज़्यादा, और अगर वही वो कूलर चल रहा होगा तो फिर पसीना देने लगेगा, इतना दोनों में अंतर है। तो बहुत सारे लोग इस कूलर का रिव्यू मैं की थी तो बहुत सारे लोग कमेंट करते, बट मैं कमेंट में इतना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और अलग से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। बट मुझे लगता है ना कि इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नया मैं ली थी तो मैंने रिव्यू में बताया था कि बहुत ही अच्छा है, बट धीरे धीरे जैसा कि पता चल रहा है कि इतना भी अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा मेरा लोकल वाला जो बड़ा वाला कूलर है वो है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी से काम करवा रही हूँ और वो गुस्सा हो रही है। मैं क्या कि नीचे कुछ भी कुछ उठाना होता है ना तो उसी से उठवाती हूँ, जैसे सूज है तो वो उठा के दे दो, कुछ भी उठा के दे दो, तो ये सब उठा के मैं रख देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं वही उसको समझा रही हूँ और फिर पानी दी है ला करके एक फ्रिज में से निकाल के, जो बोलूँगी वो करेगी, लेकिन करेगी खुशी से ही, लेकिन ऐसे बोलेगी मम्मा मेरे से करवाती हो, ऐसे करके बोलती रहती है। तो बस मैं चाय पी ले रही हूँ, अकेले अकेले चाय भी पीने का मन नहीं करते रहता है, लेकिन पी ले रहे हैं क्योंकि ऐसा है ना कि नहीं पियेंगे ना तो फिर पूरे दिन ऐसा भारी भारी सा लगते रहता है, और मन में भी रहता है कि चाय नहीं पिया मैंने। तो बस वही चाय पी रही हूँ मैं, और मिठी इधर उधर कर रही है, मिठी का दूध है अभी ठंडा हो रहा है। और सुबह सुबह इसका बाल देख रहे हैं ना कैसा है, क्योंकि मैं रात में इसका बाल बांध करके तब सुलाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आगे इसको सुलाती हूँ तो फ़ैन या कूलर चलते रहता है तो इसका बाल उड़ के मेरे मुंह पे आते रहता है, तो इसलिए मैं इसका पूरे अच्छे से बांध देती हूँ कि मेरे मुंह पे ना आए, और पता भी नहीं चलता है कि कभी ये खोल दी। सुबह उठते ही जब इसको मौका मिलता है बाल खोल देती है, खोलने के बाद पूरा बिखर जाता है, अजीब सा लगने लगता है देखने में। आप लोग सोचोगे कि मतलब मैं अपनी बेटी का केयर भी नहीं करती हूँ, बाल भी नहीं बांधती हूँ, लेकिन जब भी मैं बांधती हूँ थोड़ी देर में ये नोच लेती है पूरा, क्लिप भी लगा देती हूँ, क्लिप वगैरह भी नोच लेती है पूरा। और इसके बाद मैं ब्रश कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैं बस जहाँ पूजा करती हूँ वहीं थोड़ा सा पोछती हूँ, मतलब थोड़ा दूर समझो आधा रूम, और मैं ज़्यादा पोछा वोछा नहीं लगा पा रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, हस्बैंड रहते हैं तो वो लगा लेते हैं जैसे तैसे। तो मैं ब्रश करूँगी और नहाऊँगी, और नहाने के लिए अभी जा रही हूँ मैं, लेकिन इस टाइम से लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैं नहाई थी, क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा था पहले तो बहुत देर, उसके बाद पहले तो बहुत देर नीचे चल रहा था, उसके बाद बहुत देर के बाद मैं मोटर चलाई, उसके बाद भी बहुत देर तक नहीं आया, तो
पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पे कैमरा ऑन रहता है तो मीठी भी अपना करतूते दिखाती रहती है, डांस वांस करती रहती है। और देखो मैंने बाल भी बांध दिया है इसका, क्योंकि बाल बांध देती है तो मुझे अच्छा लगता है देखने में, क्यूट लगता है, छोटा सा इसका छोटा एकदम फेस लगता है और जैसा भी बाल है जो एकदम छोटा हो जाता है चोटी, तो अच्छा लगता है। और वैसे बिखरा हुआ है ना तो बढ़ गया है, और आगे से छोटा पीछे से बड़ा अजीब लगता है। तो मैं पूरे दिन में 2-3 बार इसका बाल बांधती हूँ और ये खोलती है, तो वही है, लेकिन 2-3 जगह क्लिप लगा लेती हूँ। गाइस, हेलो गाइस, बोलो कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा लिया। आप लोगों ने खाया? आप लोगों ने खाया? नहीं खाया तो खा लीजिए। मैं खाया, खा लीजिए, खा लो, खा लो। डैडी पिया, डैडी पिया, डैडी पिया, डैडी पिया, डैडी पिया, डैडी पिया, डैडी पिया। मम्मा इसको इसका आग टूट गया। कैसे टूट गया? तुमने तोड़ा? नहीं, मेरे ने नहीं टूटा है। आज बहुत लेट हो गया है खाना खाने में, 12:30 में आज खाना खाई हूँ, और मतलब कि लेट से खाना खा रही हूँ ना, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि लेट हो जा रहा है खाना खाने में, तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब डर लग जाता है, दूसरे टाइप से दर्द होता है। तो मतलब कुछ चीज़ें होता है ना कि आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हो तो थोड़ा सा समझ भी जाते हो, तो वही है मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी, जब जिस दिन मुझे लेट हो जाता था खाने में तो पेट अजीब सा ऐसा लगता था, खींच रहा है, तो उस तरह से दर्द होता था। तो याद आ गया कि हाँ, ये भूख की वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत लेट हो गया ना। अरे 12:30 तो बहुत लेट हो गया ना, और लेट क्यों हुआ? पानी की वजह से। एक्चुअली यहाँ पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब गर्मी आ गई है ना, तो पानी की मतलब पानी ऊपर तक पहुँचता ही नहीं है, और बहुत ही कम, मतलब 1 घंटा मोटर चलाई हूँ तो 1/2 बाल्टी पानी भरा है, और समझो आज अच्छे से नहाई भी नहीं हूँ, मतलब समझो कि बस नाम का नहाई हूँ, क्योंकि एक मन में ऐसा रहता है ना कि बिना नहाए बिना पूजा किए खा नहीं सकते हैं, तो बस नहाना है। नहाने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम रिलीज हो चुके हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ऐसा मतलब खा सकते हैं, तो बस वही है। तो 1/2 बाल्टी पानी में ही मैं नहाई हूँ, और उसके बाद पूजा की और फिर खाई हूँ, और भी इतना ज़्यादा थकावट टाइप से लग रहा है, जबकि काम ज़्यादा नहीं की, मतलब काम करने के बाद बहुत देर रुकी हूँ, बस झाड़ू ये सब की और उसके बाद बहुत देर बैठी हूँ, लेकिन भूख बहुत लेट खाना खाई ना, इस वजह से पेट भी हेवी हेवी लग रहा है और थकावट टाइप से बहुत लग रहा है। इतना भी नहीं हुआ कि मैं बैठ के बात आप लोगों से बात करूं, ये आराम कर रही हूं, सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूं आराम करते करते, और मिठी को भी हेलो गाइज करना था, बोली मम्मी मुझे हेलो गाइज करना है, तो बस हेलो गाइज ऐसे कर देती है, तो आगे का मैं बता देती हूँ, पूछे ये पूछो वो पूछो तो ऐसे बोलती है। तो बस अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, और हस्बैंड आज सुबह में ही गए हैं, जिस दिन सुबह में जाते हैं उस दिन मेरा और हालत ख़राब होता है, और बस 2 दिनों की बात है, उसके बाद पता नहीं, जहाँ अभी जाने वाली हूँ वहाँ तो बोला जा रहा है कि पानी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन आपको अगर पानी का दिक्कत होता है ना तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, तो वहाँ तो बताया जा रहा है कि पानी का दिक्कत नहीं है, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। तो 2 दिन में हम लोग यहाँ से चले जाएँगे, बस 2 दिन और रहना है इस रूम में, इस रूम का ब्लॉग आप लोगों को 2 दिन ही मिलेगा, उसके बाद 3रा दिन हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे, और भगवान करे वहाँ पानी का दिक्कत ना हो, बाकी सब दिक्कत झेल सकते हैं, लेकिन पानी का दिक्कत बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आपके पानी से ही सब कुछ होता है, बर्तन धो, खाना बनाओ, नहाओ धो, सब कुछ पानी से होता है, और पानी का ही दिक्कत हो जाता है, बस यही है। वैसे तो जाने के बाद ही पता चलेगा, पहले से नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं भी आप जाते हो तो पूछते हो तो लोग यही बोलते हैं कि पानी का यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, जाने के बाद रहने के बाद पता चलने लगता है। खैर रेंट का बात है, रेंट में आप कितना दिन कहीं भी रह सकते हो, तो वहाँ भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, चेंज कर लिया जाएगा, फिलहाल जितना पता चला है उतना में ठीक ठाक है, तो कुछ दिन तो कट ही जाएगा, और 6 महीना की बात है, 6 महीना के बाद फिर से कहीं चेंज कर सकते हैं, उससे पहले फिर नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करने में भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, अभी तो हेडक है कि कैसे पैक होगा, कैसे ये होगा, ये तो बोल रहे हैं 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तभी शांति मिलेगा मुझे, अभी जाने वाले नहीं थी तो कोई ये नहीं था,
बट जब से ये बात हुआ है कि जाना है तो मेरा मन कर रहा है कि कल जाना है तो आज ही चले जाए, परसों जाना है तो कल ही चले जाए, मतलब कितना जल्दी यहाँ से चले जाए बस मन कर रहा है, क्योंकि शिफ्ट हो जाएंगे ना तो शांति मिलेगा कि अब कुछ है नहीं। और अभी लग रहा है कैसे सब कुछ पैक होगा, कैसे जाएगा, बस आज से 3 दिन है, मतलब यहाँ का आज का ब्लॉग आपको मिलेगा, मतलब आज संडे है, संडे का ब्लॉग मिलेगा मंडे ट्यूजडे, वेडनेसडे को चले जाएंगे। चलिए थोड़ा देर बाद मिलते हैं, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करने करते करते ही हस्बैंड ही आ जाएंगे क्योंकि 1 बज गया है, 3:30 बजे तक वो आ ही जाएंगे। तो आराम करने के बाद थोड़ा देर के बाद, मतलब 2 घंटा या 1.5 घंटे के बाद हस्बैंड आ गए थे, और संडे था आज, और उसके बाद खाना निकाली हूँ। खाना में थोड़ा आप लोगों को अतरंगी लगेगा कि चावल है, दाल है, भुजिया है, सलाद है और चिकन है थोड़ा सा। तो अभी जस्ट उठी हूँ सो करके, और हस्बैंड आए थे तो उसके बाद फिर से खाना खाई थी 3 बजे के करीब में, और उसके बाद फिर सो गई थी थोड़ा देर के लिए। मतलब वो आते हैं, अगर सुबह में जाते हैं ना तो उनका तो नींद भी अच्छा से पूरा नहीं हुआ रहता है, क्योंकि 5 बजे ही उठते हैं और 5:30 तक चले जाते हैं, तो जब वो आते हैं तो रेस्ट करते हैं, और उस टाइम मिठी भी सोती है तो मैं भी थोड़ा लेटती हूँ तो नींद आ जाता है, तो इस तरह से कभी कभी मैं सो जाती हूँ। तो अभी जस्ट उठी हूँ और अब जा रही हूँ चाय बनाने, थोड़ा फ्रेश होंगी, फेस वॉश ये सब करके, क्योंकि बहुत अजीब फेस लग रहा है। बैठी थी, थोड़ा सो करके उठो तो भी थोड़ा बैठो, और मिठी अभी भी सो रही है तो इसको भी अभी उठाऊँगी, और पहले चाय बना लेती हूँ, इसके लिए भी दूध गर्म कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं, आज का पूरा दिन ऐसे ऐसे ही गया है।